सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू रेसलिंग आर्ट। तो गाइस आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्या होगा कल स्मैकडाउन के अंदर, या वैसे एक अनकट वीडियो होने वाली है। मैं इसे पूरा वीडियो बनाने वाला था पर गाइस कुछ रीजंस की वजह से चैनल पर बहुत लेट वीडियो आ गई, उसके लिए सॉरी गाइस। लग रहा था कि चैनल पर वीडियो नहीं आएगी पर मैंने वीडियो डाल दिए, और गाइस यहां पर से मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट भी वीडियो जो थोड़ी देर के बाद अपलोड करूं। तो गाइस चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं, और गाइस आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं स्मैकडाउन के अंदर क्या होगा। तो गाइस सबसे पहले हमारे साथ ही हमें दिखाई दे सकते हैं, और गाइस यहां पर जो है 17 से ज़्यादा भी वहाँ पर हमको देखने को मिल सकते हैं, दोनों के बीच यहाँ पर से जो है बातों की ब्रॉल यहाँ पर होती हुई दिखाई दे सकते हैं। और गाइस यहाँ पर से बातों के अंदर या फिर मेन इवेंट के लिए या फिर पैकेज के लिए एक मैच हो सकता है सरों से ज़रूर का, और यहाँ पर से हम जो भी जीतेगा वो हमें जिसको फेस करता हुआ दिखाई दे सकता है रेसल मीडिया बैकलैश के अंदर, या फिर हमें जो ये मैच देखने को मिल सकता है आज के स्मैकडाउन के अंदर। उसके बाद गाइस हमको देखने को मिलेगा इस यहाँ पर से स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस रॉबर्ट रेंडॉल्फ ज़िगलर अपनी टाइटल को यहाँ पर से मेरे कल से फिर से एक बार टाइटल को जो है यहाँ पर से लगा सकते थे के ऊपर स्ट्रीट रॉबर्ट्स के खिलाफ। और गाइस ये मैच हमको जो है रेसल मीडिया बैकलैश के अंदर ऑफिशियल होता हुआ दिखाई दे सकते हैं, और गाइस इसके चांसेस भी थोड़े ज़्यादा ही है। नेक्स्ट गाइस हमको जो देखने को मिल सकता है वो गाइस यहाँ पर से हमारे अपोलो क्रूज़ का यहाँ पर सेकंड, और गाइस अपोलो क्रूज़ का जो है मे बी नेक्स्ट जो है जो अपोनेंट है वो रिवील होता है दिखाई दे सकते हैं। मैं भी गाइस वापस जो है अलस्टर ब्लैक मेरे ख्याल से हो सकते हैं या फिर बिगी हो सकते हैं। गाइस हमें कल के स्मैकडाउन के ऊपर देखने को मिलने वाला है वो देखने को मिल सकते हैं गाइस यहाँ पर से बियांग का पेयर का नेक्स्ट अपोनेंट, और गाइस मे भी उसको वो हो सकती है पहली, और गाइस यहाँ पर इसके चांसेस है गाइस पहली जो है वो सिर्फ यहाँ पर से बियांग का पेयर का वैसे मैंने बैकलिश के अंदर नेक्स्ट स्पीड कंटिन्यू डब्ल्यूडब्ल्यू करवा सकती है। और गाइस साथ ही साथ शो को ऊपर देखना यह भी पड़ेगा कि रोमन रेंस सोलैन का क्या होता है, क्या एज वहाँ पर जो है हमें सरप्राइज रिटर्न शॉक करते हुए दिखाई देते हैं, या फिर कोई अलग सुपरस्टार हो मेरे स्कोर सर मैंने बैकलिश के लिए चैलेंज करता है, या फिर नहीं। वैसे आपको क्या लगता है कौन सा वो सुपरस्टार हो सकता है कल रोमन रेंस को कन्फ्रंट करके चैलेंज करे रोमन रेंस को, या फिर सेथ रॉलिंस सेजारो में से वो कौन सा सुपरस्टार होना चाहिए मुझे कमेंट में जरूर बताना। चैनल बनाए तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाकर प्रेस करके ऑल करो। बस यही थी आज की वीडियो गाइस, मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो भी बनाए जाए, मुझे नहीं पता वो कब आएगी। तो खैर गाइस यही थी आज की वीडियो, चैनल बनाए तो सब्सक्राइब करो। आज की वीडियो इस आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।